Sawa suri. तीसरी आती वो देख रहा हूँ मैंने बोलो भाई 2000 years later पर जाते हुए तो दोस्तों हम लोग आए मुशी डैम, तुमको व्यू दिखा रहे तो दोस्तों मोइन व्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। तो सिंपल है, मैं दो तीन पॉइंट आपसे शेयर करना चाहूँगा। अगर आप लोनावला जाने का प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले 6 बजे से पहले आप लोग को पहुँचना रहेगा। अगर नहीं पहुँचे तो आपका फिर दिन ख़राब है, क्योंकि आप इतना दूर जाके फिर आप वापस से घर पर जाना सब बेकार हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मानो, आपको 6 बजे से पहले आपको पहुँचना है 6 PM को। और मेन चीज़ ये बता दूँ कि इससे पहले मेरा जो व्लॉग था पार्ट वन, उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। और उसमें मैंने बोला था कि दूसरा जो व्लॉग आएगा पार्ट टू, उसमें आप ज़रूर वेट करना, उसमें भूसी डैम का ही मेन आएगा। और वीडियो की स्टार्टिंग में आप देख चुके हो कि अपना मैंने बहुत अच्छे अच्छे सीन लेके डाला है उसमें, और अपना काफ़ी अच्छे मूवमेंट भी आएंगे, क्योंकि वेदर पूरा फॉगी हो चुका है और वेदर भी बहुत ही ब्यूटीफुल है और बारिश भी हो रही है, सब कुछ अच्छा है। मगनलाल चिक्की वाले से लेकर सब आप लोग को ये व्लॉग में दिखेगा। मैं बातें कम करूंगा, ये खाली इन्फॉर्मेशन है करके मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ। आप लोग पूरी जर्नी मेरी देखना, जिसमें आप लोग को ओरिजिनल सब साउंड सुनने मिलेगा, जैसा नेचुरल साउंड हो गया, बाइक का साउंड हो गया, और रेनी सीजन जैसा है तो बारिश वगैरह का साउंड हो गया, ये सब आपको सुनने मिलेगा। तो आप उसके लिए तैयार रहिए, कान में अगर ब्लूटूथ है तो ब्लूटूथ लगा लो या जो भी हो ईयरबड वगैरह, और अगर नहीं है तो स्पीकर फुल पे रख के आप सुनो, बहुत आपको मजा आएगा। म्यूज़िक का कम इस्तेमाल करूँगा, इसीलिए मैं ये इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ आपको, तो आगे बने रहिए।
तो जैसा कि अभी तक का मैंने आप लोग को जो इन्फॉर्मेशन दिया हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मेन इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इधर आने का सोच रहे हो, क्योंकि मौसम तो बहुत अच्छा हुआ है, जैसे फॉगी मौसम वेदर हुआ है और कहा बारिश थोड़ी बहुत हो रही है, बहुत अच्छा मतलब मज़ा आता है आप जब वे रूट पर आओगे। मगर इसके साथ साथ प्रॉब्लम किसी भी चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होता है, तो इसी तरीके से इसका प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे फॉगी जो वेदर हुआ पड़ा है। अगर कोई अच्छा ड्राइवर आपके पास है तभी आप आइएगा, नहीं तो मत आओ, मेरी सिंपल यही बात है। और विजिबिलिटी अच्छी होना चाहिए, सिंपल है, जैसे बाइक हो कार हो बस हो कुछ भी हो, तो उसकी हेडलाइट की विजिबिलिटी बहुत अच्छी होना चाहिए, तब जाके आप लोग इजीली सर्वाइव कर पाओगे, इजीली तुम मतलब आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत है इधर पे लोनावाला में, और खास तौर पे वीकेंड में आओगे तो ट्रैफिक भी मिलेगी आपको, लोग भी ज़्यादा मिलेंगे, हर जगह रश रहेगा, ट्रैफिक रहेगी, तो आपको वही सबको लेके माइंड में अपने आना है। और अगर वर्किंग डे रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा रोड खाली रहता है, वुशू डैम भी खाली मिलेगा, सब कुछ खाली मिलेगा, तो अब आपके ऊपर है कि आपको कैसा आना है। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसलिए बोलूँगा क्योंकि पहले जो इससे पहले का वीडियो है और जो मेरे शॉर्ट व्लॉग है जो आजकल जा रहा है वुशू डैम से रिलेटेड, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अब आगे आप लोग सफ़र इन्जॉय करो, एंड में कुछ बात बोलूँगा, फिर इंशाल्लाह फिर अगला ट्रिप अपने को जो भी रहेगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे। सब्सक्राइब करके रखो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे मेरे व्लॉग में यहाँ तक आ गए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहने का मतलब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और कमेंट में आप लोग अपने लोकेशन बताओ कि आप लोग कहाँ से, मेरे कितने फ्रेंड्स आउट ऑफ इंडिया से भी है, तो वो मेरे को जैसे मेरे कितने कॉलेज के फ्रेंड्स हैं और उन लोग मेरे को मुंबई में है, किधर भी बहुत जगह पे स्टेट वगैरह में कहाँ कहाँ है पता नहीं, सब लोग अगर मेरा व्लॉग देख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मेरे को कमेंट में मैसेज डालो कि तुम कौन हो करके, कहाँ पे हो अभी एग्जैक्ट। और अगर और सबसे मेन चीज़ मैं आप लोग को थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि पिछला व्लॉग में बहुत अच्छा आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, अभी ये पार्ट टू है तो इसको भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स दो ताकि और मेरी वीडियो व्लॉग बनाने की जो भी चीज़ है वो अच्छी हो जाए, मजबूत हो जाए और हम लोग आपको हमेशा क्वालिटी प्रोवाइड करें, अच्छी अच्छा व्लॉग प्रोवाइड करें, जो लेटेस्ट में आजकल चल रहा है ट्रेंडिंग जो चल रहा है वो चीज़ आपको ज़रूर दिखाने की कोशिश करते हैं और करेंगे इंशाल्लाह। बस आप लोग हमारे को सपोर्ट करो, बस इतना ही बोलूँगा।
डैम मजे क्योंकि इसकी वजह ये है।